हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडागॉजी फॉर पेपर 1 और 2 का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर किए हुए हैं इंग्लिश पेडागॉजी के। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जा करके देखिए। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है CGTET के नाम से, उसमें आपको ये सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ में CTET यानी कि CTET के नाम से भी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे भी आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर जा करके देखिए इंग्लिश पेडागॉजी की क्लासेस। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहाँ हम लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। साथ में क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या देखने जा रहे हैं, तो कल हमने स्टार्ट किया था लैंग्वेज स्किल, और लैंग्वेज स्किल को भी आज हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज स्किल का हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर्गत, भाषा विकास के अंतर्गत क्या आता है, तो LSRW आता है। L क्या है? L क्या है? लिसनिंग। S क्या है? स्पीकिंग। R क्या है? रीडिंग। और W क्या है? राइटिंग। जो L और R है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, लिसनिंग और रीडिंग क्या होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। L और S क्या है, तो L और S क्या होता है, ये आपका पैसिव स्किल होता है। क्या होता है? पैसिव स्किल होता है। साथ में रिप्रोडक्टिव स्किल होता है। साथ में क्या होता है? रिसेप्टिव स्किल होता है। भूले तो नहीं है ना कहीं आप, कल के सेशन में हमने देखा है, कल और परसों के सेशन में हमने देखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जा करके देखिए लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, तब जा करके आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। फिर यदि हम स्पीकिंग और राइटिंग की बात करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्पीकिंग और राइटिंग क्या होता है, तो ये एक्टिव स्किल होता है। एक्टिव के साथ में क्रिएटिव स्किल होता है, क्रिएटिव के साथ में ये प्रोडक्टिव स्किल होता है। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भाषा कौशल है उनको किन दो कैटेगरी में विभाजित किया जाता है, तो आपको याद रखना है किन दो कैटेगरी, आपके ऑप्शन में दिया गया था एक प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव, आपको याद रखना है प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव स्किल होता है। ठीक है, तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने लेक्चर नंबर 3 में लिसनिंग और स्पीकिंग को देखा था डेप्थ से, है ना, मैंने आपको बताया था। साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस भी MCQ प्रैक्टिस भी किया हुआ था। तो आज हमको क्या देखना है, आज हमको रीडिंग और राइटिंग देखना है। रीडिंग और राइटिंग, लैंग्वेज स्किल में हम रीडिंग और राइटिंग देखने जा रहे हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग से। तो रीडिंग क्या है, तो रीडिंग थर्ड लैंग्वेज स्किल है। फर्स्ट लैंग्वेज स्किल क्या होती है, पहला भाषाई कौशल क्या होता है, लिसनिंग, सुनना। दूसरा भाषाई कौशल क्या होता है, तो स्पीकिंग, ठीक है, बोलना। तीसरा क्या होता है भाषाई कौशल, तो पढ़ना, रीडिंग होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, रीडिंग को मैंने क्या बताया, रीडिंग को मैंने आपको बताया ये रिसेप्टिव होता है, पैसिव स्किल होता है। ठीक, क्यों होता है ये पैसिव, एज इट रिक्वायर्स अस टू यूज आवर आईज एंड आवर ब्रेन टू कॉम्प्रिहेंड। क्यों? क्योंकि ये जो दो चीज होती है, ये दो चीज क्या डिमांड करती है, तो ये हमारी आंखों की डिमांड करती है, और आंखों के साथ में हमारे दिमाग की डिमांड करती है, कि हमने आंखों से देखा, दिमाग में, दिमाग ने तुरंत क्लिक किया और हमें चीज़ें समझ में आ गई, हमें चीज़ें समझ में आ गई। तो लिसनिंग में भी यही होता है, और क्या होता है, रीडिंग में भी यही होता है, हम देख रहे, पढ़ रहे। अब मैंने बोला आप पढ़िए, आप पढ़ने लगे, रीडिंग इज अ थर्ड लैंग्वेज स्किल, आपको समझ में आ रहा है, अच्छा रीडिंग नया थर्ड लैंग्वेज स्किल, आपका दिमाग क्लिक करता जा रहा है, अच्छा ये ना रीडिंग जो होता है थर्ड लैंग्वेज स्किल होता है, इट इज रिसेप्टिव, ये रिसेप्टिव होता है, ये पैसिव। आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपका दिमाग काम कर रहा है और आपकी आंखें काम कर रही हैं, और यही हम बोलेंगे, इसीलिए हम बोलते हैं कि रिसेप्टिव है और पैसिव है। ठीक, Young learners when reading infer the meaning of new words from the context and read with comprehension. ये क्या होता है, जो young learners हैं when reading infer the meaning of a new words from the context, यानी कि बोलते हैं ना कि ये देखिए कि जो ये दिया हुआ है इस context में, इस संदर्भ में इसका meaning क्या है, और फिर उसके बाद में समझते हैं हम। जैसे कि एकता, एकता तो लड़की का भी नाम है, और एकता यूनिटी भी होती है।
एकता यदि हम बात करें तो एकता तो लड़की है, बोलेंगे ये किसका नाम है, लड़की का नाम है, बोलेंगे भारतीय लोगों में एकता है, यहाँ पे बहुत, यहाँ पे एकता में अनेकता में एकता है, भारत में अनेकता में एकता है, क्यों, क्योंकि आप बहुत सारी जाति धर्म प्रंत समुदाय सबके लोग हैं, लेकिन हम सभी भारतीय, हम सभी एक हैं, अनेकता में एकता। अच्छा, इसका मतलब यूनिटी है। तो हमें क्या करना है, जब हम पढ़ रहे हैं तो हम संदर्भ में पढ़ते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात बोली गई है। आज एकता की शादी है, यानी कि लड़की की बात है, इसके परिवार में एकता है, इसके परिवार में एकता। अब आपको समझना है कि एकता वो लड़की है या परिवार में यूनिटी की बात बताई जा रही है, समझ में आए, और यही चीज लिखा हुआ है, समझ में आए। आगे देखिए हम लोग कि रीडिंग, अब हम आ जाते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग के कितने प्रकार होते हैं। कल मैंने आपको लिसनिंग के प्रकार बताए थे, एक्सटेंसिव लिसनिंग होता है, ठीक है, फिर इंटेंसिव होता है और इंटरएक्टिव होता है। एक्सटेंसिव बहुत देर तक प्लेजर के लिए हम सुन रहे होते हैं, फिर उसके बाद इंटेंसिव में बहुत ध्यान से हमें सुनना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जो पूछा जाएगा आपको बताना है। इंटरएक्टिव में याद रख लेना, लाइव सेशन हो रहा है, हमें क्वेश्चन दिया गया, हमें ना फटफट आंसर देना है, वो इंटरएक्टिव लिसनिंग हो गया। सुनते आप तुरंत यानी कि आप क्या करें, जवाब देते जा रहे हैं। ये कल हमने लिसनिंग के प्रकार देखे थे, आज हम देखने जा रहे हैं रीडिंग के क्या क्या प्रकार होते हैं। सबसे पहला ये प्रकार आता है लाउड रीडिंग का। लाउड रीडिंग क्या होती है, तो रीडिंग अलाउड। अब हम जब बच्चे थे तो हम बोलते थे ना, हमें पढ़ाया जाता था, जो भी पढ़ाया जाता था क्लास में, तो हम जैसे कि ये आम लिखा है, हम कैसे बोलते थे, बड़ा आ और माँ, तो आम, अनार लिखा हुआ है तो कैसे पढ़ते थे, अ, ना में आ की मात्रा ना र, अनार, है ना। जैसे मछली लिखा हुआ है तो कैसे बोलते थे, मा छा, ला में बड़ी की मात्रा ली, मछली, ऐसे जोर जोर से चिल्लाते थे। अब जोर जोर से चिल्लाने वो भी तो एक तरीका होता है, वो कौन चिल्लाता है, तो प्राइमरी क्लास के बच्चे लोग चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं, बिल्कुल पढ़ते हैं, हम भी पढ़ें, बाकी बच्चे भी पढ़ते हैं। फिर साइलेंट रीडिंग क्या होती है, चुपचाप पढ़ना, टू एंजॉय द प्लेजर और रीडिंग। तो बच्चे जो बड़े यानी कि सीनियर क्लास के जो बच्चे होते हैं, अब बोला जाएगा कि पढ़िए, तो वो क्या करेंगे, साइलेंट रीड करते हैं। अब बोला गया कि पढ़ना है, तो सब अपने अपने में पढ़ लिए, सब अपने अपने में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि जैसे कि हम लाइब्रेरी में गए हैं, हम पुस्तकालय में गए हैं, अब वहाँ पे तो आप जोर जोर से चिल्ला के पढ़ोगे नहीं, है ना, आप धीरे धीरे पढ़ोगे। अब वो धीरे धीरे पढ़ोगे यानी कि आपको, या तो आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो या फिर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, तो उसको आपको धीरे पढ़ना है, तो धीरे दो चीज़ पढ़ी जा सकती है, या तो हम अपनी खुशी के लिए पढ़ रहे हैं वहाँ पे, यानी कि हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, या फिर हम पढ़ाई करने के लिए ही पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे, पढ़ने के लिए ही पढ़ते हैं चीज़ों को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंटेंसिव। इंटेंसिव रीडिंग में क्या है, इट मीन्स रीडिंग द पैसेज विथ मोर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लैंग्वेज। जैसे कि कल मैंने लिसनिंग के लिए भी बताया था, इंटेंसिव में क्या होता है, हमें कॉन्सेंट्रेशन से सुनना रहता है, तो जब इंटेंसिव रीडिंग है तो आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आपको पढ़ना है, बड़े ध्यान, बोलते हैं ना इसको पढ़िए, बड़े ध्यान से पढ़ना, तो वही है, बड़े ध्यान से जहाँ पे आया तो इंटेंसिव हो गया। एक्सटेंसिव जहाँ पे होता है, तो कल मैंने बताया था एक्सटेंसिव है, पाँच मिनट का लेक्चर है, तो पाँच, जैसे कि दो घंटे का मैराथन सेशन है, हम पाँच मिनट सुने, अच्छा लग रहा है क्या, हाँ अच्छा लग रहा है, पूरा दो घंटे बैठ गए हम सुन लिए, अच्छा नहीं लग रहा है यार, छोड़ो, हटाओ, स्किप करो, दूसरा चैनल जाते हैं, तो ये क्या है, तो एक्सटेंसिव क्या होता है, प्लेजर के लिए किया जाता है, चीज़ें आप कम करके भी इनफ हो सकता है, लेकिन हमको अच्छा लग रहा है, हम तो सुनेंगे भाई, हम तो सुनेंगे, तो एक्सटेंसिव ये लिसनिंग की बात है। रीडिंग में क्या होता है, इट मीन्स रीडिंग द पैसेज विथ मोर एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट मैटर, कि ये विषय में दिया क्या है, हम ध्यान देते हैं इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, अब उसके साथ में पढ़ना है। जब हम इंटेंसिव कर रहे होते हैं ना, तो इंटेंसिव में हमको लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ता है, और बड़े ध्यान से भाषा पे ध्यान दे करके, भाषा में ध्यान हम करते हैं इंटेंसिव रीडिंग में। लेकिन जब एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, तो विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाता है, कि किस विषय पर हम पढ़ रहे हैं, क्या विषय वस्तु है हमारी, ठीक है, हम पे, हमें उस पर बल दे करके पढ़ना रहता है एक्सटेंसिव रीडिंग में, क्लियर है। फिर उसके बाद में रैपिड रीडिंग क्या होती है, रैपिड रीडिंग होती है रीडिंग विथ स्पीड,
रीडिंग विद स्पीड टू सीक इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम बात कर रैपिड, बोलते हैं रैपिड फायर राउंड है ये, रैपिड फायर क्या है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी हमको करना है, रीडिंग की बात है यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ना है, हमें क्या करना है जल्दी जल्दी पढ़ लेना है, रीडिंग विद स्पीड है। अब देखो स्किमिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्वेश्चन पूछूंगी भी मैं, ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरी करवा दिया जाएगा और एमसीक्यू नहीं होगा, दोनों होगा और आपको जवाब देना है, ठीक है। अब मैं भले ही आपके आंसर्स देख रही हूँ चाहे नहीं देख रही हूँ, आप अपने में ईमानदार बनिए और आपको जो आप पढ़ रहे हो थ्योरी पढ़ रहे हो तो एमसीक्यू भी आपसे बनना चाहिए, क्लियर है। अब स्किमिंग में आ जाओ, स्किमिंग क्या होता है, स्किम करने के लिए यदि आपको बोला गया तो इसका मतलब ये है रीडिंग क्विकली टू गेट द जनरल थीम टॉपिक मीनिंग और द मेन आइडिया। लेट्स से हम मान करके चलते हैं, यहाँ पे ना पूरा पैसेज लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा पैसेज लिखा गया, मैंने आपको बोला इसको ना स्किम करो, ये पैसेज को स्किम करो। अब पैसेज को स्किम करो जब मैंने बोला है, इसका मतलब क्या है, मैं ये बोल रही हूँ आपसे कि आप ना केवल केवल मुझे बता दो ये किस संदर्भ में बोला गया, ये पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है। अब आपने पढ़ा द ट्रेन, यहाँ पे फुल स्टॉप, द ट्रेन फुल स्टॉप हो गया, द ट्रेन कम यानी कि द ट्रेन इज फ्रॉम रायपुर टू दिल्ली, द ट्रेन यहाँ पे आपने देख लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है एट द स्टेशन द ट्रेन, इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया, आप बार बार देख रहे हो, आपने ज़्यादा कुछ एकदम ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन द ट्रेन हर यानी कि जब आपसे पूछा गया समझ में आया, हाँ समझ में आ गया, क्या था मेन आइडिया, ये जो है ना ये ट्रेन के जाने की बात बताई जा रही है, इस पैसेज में ना ट्रेन के बारे में है, ये ना ट्रेन के बारे में ये पूरा पैसेज, यानी कि आपको ना एक आइडिया लग गया कि अच्छा ये वाला गद्यांश जो है ये किस पे है, ये वाला गद्यांश, या फिर हम बोल सकते हैं ये वाला पैसेज जो है हमारा क्या है, ये पैसेज ट्रेन के ऊपर है, आपको एक आइडिया लग गया। तो स्किमिंग में क्या होता है, स्किमिंग में होता है रीडिंग क्विकली, आप जल्दी जल्दी पढ़ लिए, और जल्दी जल्दी आप क्यों पढ़े हो, एक जनरल थीम पाने के लिए, अच्छा टॉपिक क्या रहा है, यानी कि मेन आइडिया क्या है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, आप हेडिंग देख लिए कि अच्छा ये वाली न्यूज़ है, ठीक है ये देख लिया, नेक्स्ट पेज में बोलते अच्छा ये वाली न्यूज़ है देख लिया, अब छोड़ो ना कौन इतना अंदर से पढ़ेगा, आप हेडिंग देख लियो, यानी कि आपको एक आइडिया हो गया है, जब आप हेडिंग को देख लिए, अब थोड़ा सा ये इतनी चीजें लिखी हैं या इतनी चीजें लिखी हैं, कुछ एक नजर यहाँ गई, एक नजर यहाँ, बस हो गया, पढ़ लिए समझ में आ गया, जो समझ में आ गया वाला होता है, पढ़ लिए समझ में, वही होता है स्किमिंग, वही क्या होता है स्किमिंग होता है। जैसे कि हम ट्रेवल ब्राउचर जो पढ़ते हैं ना कि ये वाला ये यहाँ पे जा रहा है ये वहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे हम ज़्यादा कुछ देख नहीं रहे होते हैं, हम ये केवल देख रहे होते हैं कब कहाँ पे कौन सी ट्रेन है हमारी या फिर कौन सी फ्लाइट है कहाँ पे कैसी है, अब ज़्यादा कुछ नहीं है कि वहाँ पे और क्या क्या सुविधा है क्या नहीं, इतना कुछ नहीं देखा जाता है, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो यानी कि ये हुआ कि स्किमिंग में आपको केवल एक क्रक्स जाना है, एक मेन थीम आप जान रहे हो गया बस, यानी कि आपने बहुत जल्दी उसको पढ़ लिया, ये होता है स्किमिंग। स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग ये होता है टू लोकेट स्पेसिफिक फैक्ट और पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। लेट से जैसे कि ट्रेन टिकट, ग्राफ, रोल नंबर और एडमिट कार्ड, अब स्कैन करने के लिए बोला गया इसको स्कैन करो, स्कैन करो मतलब कि वो स्कैनर में डाल करके स्कैन नहीं करना है, तो स्कैन क्या करना है, हम मान करके चलते हैं आप गए हैं पेपर देने के लिए, आपका एग्जाम है, आप पेपर देने के लिए गए हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि जहाँ पर भी आपका सेंटर रहता है वहाँ पर बाहर में जो है आपका रोल नंबर लिखा रहता है, रोल नंबर के साथ में रूम नंबर लिखा रहता है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि आप जब उसमें अपने रोल नंबर को ढूंढ रहे हो, आप अपने रोल नंबर को देख, बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं वहां पे, बहुत सारे, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता आप किसको ढूंढोगे, आपको अपने नंबर से मतलब है, आपको जब अपने नंबर से मतलब है तो आप देख ले अच्छा मेरा कहाँ पे, मेरा अच्छा यहाँ पे, रूम नंबर कितना इतना लिखे तो काफी कुछ है उसमें, बहुत सारे नंबर, आपको फर्क नहीं पड़ा, आप उसकी उनको नहीं ध्यान दियो, आप अपने नंबर को खोजने में लग जाओ, यानी कि पर्टिकुलर फैक्ट को, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे लोकेट करना चाहते हो, अच्छा मेरा वाला कहाँ पे है, आप अपना वाला देख, इसको बोलते हैं स्कैनिंग। आपने क्या किया वहां पे, स्कैन किए हो आप, लिखा तो बहुत कुछ है वहां पे लेकिन आपका ध्यान उनमें नहीं है, आप केवल अपने अपने चीज को ढूंढ रहे हो वहां पे, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपकी ट्रेन की टिकट है एग्जांपल, जैसे ट्रेन की टिकट है
है ना। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, लिखा तो बहुत कुछ है कि यात्री आपकी यात्रा शुभ हो, ये हो, वैसा हो, ऐसा ये वो एक्स वाई जेड बहुत कुछ लिखा है। आप क्या कर रहे हो, अच्छा मेरी ट्रेन, ये ट्रेन है, आप ध्यान क्या दोगे, कितने बजे है, कितने बजे मेरी ट्रेन है, ये हो गया, बस हो गया, आपका काम हो गया। ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे कितने रुपए की, हालांकि पैसे आपने खुद दिए हैं, लेकिन फिर भी आप देख लो कितने की मेरी टिकट आई है। आप वहां पे देखोगे कि कितने बजे ट्रेन है, कौन से नंबर पे मेरी, कौन से नंबर पे आपकी सीट है ना, यानी कि आपकी सीट कौन का नंबर क्या है, आप वो देख ले, अपनी बोगी देख ले, बर्थ देख ले, हो गया। ये होता है स्कैनिंग। आप पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जब आप कहीं पे लोकेट करना चाहते हो तो वो होता है स्कैनिंग। और स्किमिंग क्या, आप जल्दी जल्दी पढ़ लिए और आपको समझ में, अच्छा ये बोलना चाहता है, अच्छा ये बोलना चाहता है, ये यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, समझ में आ गया हमें। ये होता है स्किमिंग और स्कैनिंग। क्वेश्चन पूछूंगी, याद रखना है ना, इसीलिए मैंने इतने डिटेल से आपको समझाया भी है। आगे देखते हैं, ये हमने देख लिया, रीडिंग हमारा हो गया। अब आ जाइए राइटिंग। राइटिंग क्या होती है, तो राइटिंग जो है फोर्थ लैंग्वेज स्किल होती है। मैंने आपको समझाया लैंग्वेज स्किल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना रहता है, LSRW में हमारा लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, अब बचा क्या, राइटिंग बचा। तो राइटिंग क्या है, चौथा भाषाई कौशल है। लेकिन ये क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, स्पीकिंग और राइटिंग क्या होते हैं, तो ये प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, एक्टिव स्किल होते हैं, क्रिएटिव स्किल होते हैं, ठीक है। वही चीज लिखा है, प्रोडक्टिव और एक्टिव है। एज इट रिक्वायर अस टू यूज आर हैंड एंड ब्रेन टू प्रोड्यूस रिटन सिंबल्स। अब आपको राइट करना है ना, लिखना है, तो आपको हाथ भी चाहिए, साथ में आपको दिमाग भी चाहिए, नहीं तो कुछ भी लिख रहे हो ना। अब हम तो ये गोदा गादी करने के लिए कुछ भी उठपटांग से ऐसे 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 करने के लिए, अब मुझे पता है ना कि मैं ऐसे उठपटांग से लिख रही हूँ, ब्रेन तो भी यूज़ हो रहा है वहाँ पे, तो भी हैंड भी यूज़ हो रहा है। अब ये, अब आप चाहे ए बी सी डी लिखो तो भी आपका हाथ और ब्रेन यूज़ हो रहा, चाहे आप या कुछ भी कटा काट दो, कुछ भी टिक कर दो, कुछ भी कर दो, तब भी तो आपका ब्रेन यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये आपको समझना है, आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि जब हम कोई एक्टिव स्किल परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्टिव स्किल परफॉर्म मतलब करना, तो LSRW में बताओ एक्टिव क्या है, तो एक्टिव और पैसिव क्या है, मैंने आपको क्या बताया है कि पैसिव स्किल क्या है, तो L और R है, ठीक है, और एक्टिव स्किल कौन सी है, तो S और W है। यदि पूछ लिया गया कि एक्टिव स्किल में किसका प्रयोग होता है, तो एक्टिव स्किल में आपके हाथ का और आपके दिमाग का प्रयोग होता है, हैंड और ब्रेन। पैसिव स्किल में क्या क्या यूज होता है, तो आई का और किसका, ब्रेन का प्रयोग होता है। समझ में आ गया आप लोगों, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक। अब आ जाओ, ये चीज मैंने आपको बता दिया, हैंड और ब्रेन। फिर इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड सीम्स टू बी द हार्डेस्ट ऑफ द स्किल। लिखना बच्चा सबसे लास्ट में सीखता है, ठीक है, पहले बोल लेगा, सब कर लेगा, लेकिन लिखने के लिए बस उसको ना बोलो, लिखना बड़ा कंझट लगता है बच्चे को। तो यहाँ पे ये मोर कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, इसीलिए जब हम लैंग्वेज स्किल की बात करें या फिर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, जब हम भाषा कौशल की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये जो है ये सबसे लास्ट में आता है। लिसनिंग पहले आता है, स्पीकिंग आता है, और रीडिंग आता है, और लास्ट में राइटिंग आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि राइटिंग कांट बी चेंज्ड बट राइटिंग स्किल्स कैन बी। आपकी राइटिंग कांट बी चेंज बट राइटिंग स्किल्स कैन बी। जो चीज एक बार लिख दिया गया ना, तो वो तो लिख दिया गया, ठीक है, लेकिन आप उसको कर्सिव में लिख सकते हो। अब जैसे कि मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, प्रोडक्टिव लिख रही हूँ, ठीक है, राइटिंग स्किल्स कैन बी चेंज, ये अब मैं ऐसे प्रोडक्टिव लिख दी, ठीक है, या फिर अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इस तरीके से प्रोडक्टिव लिख दूं, इस तरीके, तो मतलब कि ये राइटिंग स्किल कैन बी, इसको हम बदल सकते हैं, बट राइटिंग कांट बी चेंज्ड, राइटिंग कांट बी चेंज मतलब जो लिखा हुआ है उसको नहीं बदलोगे, लिखावट के तरीकों को आप बदल सकते हो, ठीक है, ये चीज को याद रखना, पूछा गया है एग्जाम में, है ना, ये पूछा गया है, तो चीज को याद रखोगे, राइटिंग बदली जा सकती है कि राइटिंग स्किल बदला जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि राइटिंग कांट बी चेंज, राइटिंग नहीं बदली जाएगी बट राइटिंग स्किल बदली जाएगी। राइटिंग स्किल मतलब आपके लिखावट का तरीका बदल सकते हो, आपकी लिखना कैसे, आपको, आप बच्चे थे तो कैसे लिखते थे, बड़े हो गए तो कैसे लिखने लग गए, ये है ना, वो बदला है, लेकिन जो लिखा है राइटिंग्स जो होती है वो नहीं बदलती है, राइटिंग आपके लिखने का तरीका बस बदलता है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट में क्या बताया गया, अब आ जाओ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है,
अब बताओ आप मेरे को नोट टेकिंग और नोट मेकिंग का अंतर क्या होता है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा आवाज ऐसा मतलब कि बाहरी आवाज बहुत ज्यादा आ रही होगी ना, कारण ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, और हाँ आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और ये थोड़ी जो आपको आवाज आ रही होगी ना, तो वो क्या है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब जो है गणेश उत्सव स्टार्ट हो गया है, तो ये आवाज़ तो आपको मतलब कि थोड़े दिन के लिए इसकी थोड़ी सी आदत आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि आवाज़ तो आएंगी ही, लेकिन फिर भी हमें फोकस किस पे करना है, हमको फोकस अपने पढ़ाई पे करना है, ठीक है। तो नोट टेकिंग की जब हम बात करते हैं, तो नोट टेकिंग और नोट मेकिंग क्या होता है आइए हम समझ लेते हैं। नोट टेकिंग ये है कि यू टेक नोट्स इन लेक्चर्स और सेमिनार्स, राइटिंग डाउन व्हाट अदर पीपल आर सेइंग फॉर फ्यूचर रेफरेंस, एब्रीवेशंस आर यूज्ड। देखो नोट टेकिंग का मतलब क्या होता है कि किसी ने आप ना आप कोई लेक्चर आप क्या कर रहे हो, आप कोई लेक्चर सुन रहे हो या फिर कोई सेमिनार कोई अटेंड कर रहे हो, आप वहाँ क्या कर रहे हो, आप जो बताया जा रहा है उसको क्या कर रहे हो, आप उसको लिख ले रहे हो, आप उसको लिख ले रहे हो, ठीक है। और जैसे कि हम मान करके चलते हैं बिकॉज बोला गया, अब बिकॉज को आप क्या लिख दिए, बिकॉज लिख दिए, बिकॉज ये आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा मैंने ये लिखा है, अच्छा मैंने ये लिखा है, स्टार्ट लिखना है START लिखना है, START स्टार्ट लिखना है, आपने लिख दिया STRT लिख दिया, आपको समझ में आ रहा है कि हो गया। व्हाट्सएप लिखना है, आपने WP लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है आपको। यानी कि नोट टेकिंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो कोई दूसरा कुछ बता रहा है उसी की कही हुई बातों को हम क्या कर रहे हैं, हम लिख ले रहे हैं। जो कोई दूसरा कुछ बता रहा है उसको हम लोग लिख ले रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, कि हमको ना ये काम आएगी, हमारे भविष्य में ये काम आएगी। लेकिन नोट मेकिंग क्या होता है, यू मेक नोट्स फ्रॉम रीडिंग बुक्स जर्नल्स एंड अदर फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, मेकिंग नोट्स हैव टू थिंक एंड अंडरस्टैंड सब्जेक्ट। लेट्स से हम मान करके चलते हैं कि नोट टेकिंग और नोट मेकिंग क्या होता है। नोट मेकिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है, नोट मेकिंग मतलब आपने कुछ चीज लिखा, जैसे कि आपने कोई बुक पढ़ी, आपने कोई बुक पढ़ी, हम मान करके चलते हैं आपने 5 पेज की या 4 पेज, आप 5 पेज की कोई बुक पढ़ो, अब आप उस बुक को बंद किए, ठीक है, या फिर आप खोले ही रखे, आपकी इच्छा, आपको जो करना है आप वो कर लीजिए। अब आपने 5 पेज पढ़े हैं किसी बुक से, अब आप क्या करोगे, उस 5 पेज को आप अपनी कॉपी में एक पेज में लिख लिए। इसका मतलब कि आपने उसमें से जो समझा, आपकी जो समझ थी, आपको जो समझ में आया वो 5 पेज पढ़ने से, तो आपने मेन हेडिंग या फिर मेन पॉइंट्स जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको अच्छे लग रहे हैं देख के या बिना देखे, ये मैटर नहीं करता, देख के लिख रहे हो या बिना, लेकिन आपने अपने से लिख लिए। क्यों लिख रहे हो, कि आपने जैसे कि हम मान करके चलते हैं कि भारतीय लोगों को अधिक क्या है, हम भारतीय, हमारा भारत का संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, आपने राइट्स लिख लिया, हमारा भारतीय संविधान हमें हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपने ये सभी चीज़ें लिख ली। और लिख क्यों रहे हो, कि आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर आप अपनी समझ के लिए लिख रहे हो। नोट मेकिंग में क्या होता है कि आप वहाँ पे नोट्स बना रहे होते हो, 5 पेज पढ़े हो और क्या किए, और उसको 1 पेज में उतार दिए, ये आपने नोट मेकिंग किया है। नोट टेकिंग जब आप बात करोगे, तो नोट टेकिंग वो होता है कि वहाँ पे हम अब कोई कुछ चीज़, आप कोई लेक्चर अटेंड करो, कोई सेमिनार कुछ अटेंड करो, आप फटाफट धड़ाधड़ लिखे जा रहे हो। अब वहाँ पे आप क्या करो, कुछ चीज़ें उन्होंने कही, कुछ चीज़ें आपने शॉर्टकट में लिख दिया, कुछ चीज़ शॉर्टकट में लिख लिया, हो गया, बाद में देखेंगे, समझ जाएंगे, हमको समझ में आ जाएगा हमने क्या लिखा है। आपको शॉर्टकट्स भी आपको समझ में आ, क्यों पढ़ रहे हो, कि बाद में देखेंगे, इसको पलट करके देखेंगे, सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगे, यानी कि अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसको लिख रहे हो, वो होता है नोट टेकिंग और नोट मेकिंग। ये अंतर को याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है नोट टेकिंग और नोट मेकिंग, क्लियर है। तो हम आगे फिर क्या है, सब स्किल्स ऑफ राइटिंग क्या होती है, कुछ इसके इतने सारे कौशल तो हमने देखा, LSRW तो हमने देखा, इसके अलावा यदि हम बात कर रहे थे राइटिंग की बात करें, तो राइटिंग के अंतर्गत आता क्या क्या है, राइटिंग के अंतर्गत आता है ड्राफ्टिंग, राइटिंग के अंतर्गत आता है एडिटिंग, राइटिंग के अंतर्गत आता है प्री राइटिंग, फिर उसके बाद आता है रिवाइजिंग और पब्लिकेशन। ये कुछ कुछ उसके अंतर्गत जिसको बोलते हैं ना उप कौशल, लिखावट लिखने के उप कौशल, सब स्किल्स क्या होते हैं, तो ड्राफ्टिंग हो गया, एडिटिंग हो गया,
प्री राइटिंग हो गया, रिवाइजिंग हो गया और पब्लिकेशन हो गया, याद करने का है ये फैक्ट है जो कि आपको याद करना है, ठीक है। इसको एज इट इज याद कर लीजिए, डी ऐसे याद कर लो, डी ई पी आर पी, डी ई पी आर पी, डी ई पी आर पी, इसको इस तरीके से यदि याद हो जाए तो इसको याद कर लीजिए, डी ई पी आर पी, ठीक है। तो ये क्या है, सब स्किल्स ऑफ राइटिंग है। तो आपको समझ में आया कि आज के सेशन में हमने किया क्या क्या है, आपको ये चीज़ को जानना है, समझना है। यदि आप देख कहीं पे मैं कुछ चीज़ बोल रही हूँ कि इसको आप लोगों को याद करना है, तो वहाँ पे आपको याद करना है, जहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ तो वहाँ पे आपको समझना है। और जितनी भी चीज़ें, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि कुछ भी चीज़ें यहाँ पे अनावश्यक आपको नहीं बताई जाती हैं, जितनी भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आई हैं और एग्ज़ाम रेलेवेंट जितने आपके टॉपिक्स हैं, अभी इतना आपके पास समय नहीं है कि आप मतलब कि एकदम डेप्थ में जा के पढ़ो। तो जहाँ जो जो एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए ना, मेरी कोशिश ये है कि कम से कम आप लोगों का वो एरिया कम्प्लीट हो ही जाना चाहिए, ठीक है, वो एरिया आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसीलिए जो जो मेन मेन टॉपिक है मैं आपको डेफिनेटली वो बताऊंगी, और आपके डेफिनेटली आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे भी, और जो आप पढ़ रहे हो वो आएंगे भी। इसको याद रखना, डी ई पी आर पी, ये सब स्किल होते हैं इसके, किसके, राइटिंग के, राइटिंग के सब स्किल होते हैं, डी ई पी आर पी, डी ई पी आर पी, बार बार बोल रही हूँ जिसे साथ में आप लोग भी बोलिए और याद हो जाए, देखते देखते ही याद हो जाए, डी ई पी आर पी, ठीक है। तो इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूँगी। आज की क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा और जो कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था, इस पर बेस्ड हम एमसीक्यू भी करेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं ये दोनों टॉपिक पे बेस्ड, यानी कि अब तक जो भी हमने पढ़ा उसके भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। तो इसको आप लोगों को रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है, और फिर उसके बाद में आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करते हुए चलना है। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन इस घंटी को भी दबा करके रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सीजी टेट का कोर्स हमारे मोबाइल ऐप में चल रहा है। तो यदि आप में से कोई इच्छुक है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो आप बिल्कुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी, फिर अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन, जय हिंद जय भारत।